पेगासस खुलासे पर राज्यसभा में भारी हंगामा। बयान देते वक्त आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से टीएमसी सांसद ने पेपर फाड़ा। ममता बनर्जी का सरकार पर निशाना, कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं होने वाली बात झूठ। केंद्र सरकार की मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदर्शनकारी किसानों को बताया मवाली। राकेश टिकैत ने कहा अन्नदाताओं के लिए ऐसा बयान ठीक नहीं। दैनिक भास्कर पर आईटी छापे को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, एजेंसी अपना काम करती है, सरकार का नहीं है कोई हस्तक्षेप। दैनिक भास्कर पर छापे को लेकर केंद्र के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष, कहा ऐसी सरकार का पतन निश्चित। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। राजधानी लखनऊ के गंगागंज के नगराम तक सड़क की हालत काफी खराब हो चुकी है। खस्ता हाल सड़कों को देखते हुए विधायक अंबरीश पुष्कर ने कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। सड़कों की हालत अभी भी बिल्कुल वैसी ही है और खराब सड़क की वजह से आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति हादसे का शिकार हो जाता है। बारिश की वजह से सड़कों पर अब काफी ज्यादा पानी जमा होने लगा है। सड़कों की हालत को देखते हुए विरोध किया गया। वहीं विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित विधायक ने धान की रोपाई की और बताया कि जब तक ये रोड नहीं बनती तब तक हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये जो आज हम लोगों का प्रदर्शन किया है, ये भाजपा सरकार की जो झूठ बोलने की उनकी नीति है, जिससे बता रहे पूरी प्रदेश गड्ढा मुक्त हो चुका है और ये पूरी हमारा देख रहे हैं आप कि नगराम से गंगागंज मार्ग जो कि माननीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में बनी थी, उसका पुनः निर्माण होना था, जिसको विगत 5 वर्षों से मेरे द्वारा सदन से लेके हर व्यक्ति को मैंने प्रार्थना पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को लिखा और मौके पर मैं सदन में भी इस मामले को उठाता रहा, लेकिन सरकार के कान में किसी प्रकार की जू नहीं रहेंगी। आज स्थिति ये है कि यहाँ पे प्रतिदिन सैकड़ों लोग दुर्घटना में अब तक घायल हो चुके हैं, तमाम लोगों की यहाँ पे जाने भी जा चुकी है खराब रोड होने की। लखनऊ में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अब तानाशाही कर रही है। लखनऊ में शिक्षण भर्ती मामले को लेकर ओबीसी और दलित युवा अगर डिप्टी सीएम के यहाँ जाते हैं और उनसे अपना हक मांगते हैं तो उनको सिर्फ लाठियां मिलती है, लेकिन अब हमें उनके साथ हम खड़े हैं और देखते हैं कि सरकार क्या करती है। हम उनसे नहीं डरते और वो चाहें तो हमारे यहाँ भी छापा डलवा सकते हैं। जो अभ्यर्थी अपना हक मांग रहे हैं सरकार उन पर लाठीचार्ज कर रही है। आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के अधिकार के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार के लिए अगर संपत्ति जब्त होगी तो मुख्यमंत्री संपत्ति जब्त करा दे, उनके पास अधिकार है। जैसे मुन्ना पासवान की संपत्ति नष्ट करा दी है, ऐसे हमारी संपत्ति जब्त भी करा दे, हम झेल जाएंगे, लेकिन संविधान, संवैधानिक अधिकार और संविधान पे हमला नहीं सहेंगे। और हमने तय किया कि जैसे मानसून सत्र शुरू होगा तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री को बताएंगे कि उनकी लाठियों में उनकी लाठियों का जोड़ देखेंगे और उनकी संपत्तियां कैसे जब्त कराते हैं भी देखेंगे। हमारी संपत्तियां तो बहुजन समाज है और वो उन्होंने अभी झूठ बोल कब्जा कर रखा, अब हम उनको निकालेंगे और देखेंगे कि वो उनमें कितना दम है। लेकिन ये धमकी नहीं देनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री हैं, शायद 6-7 महीने 8 महीने बाद नहीं रहेंगे तो फिर कहां जाएंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री एक अच्छे पद में बैठे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग उनको शोभा नहीं देता। और प्रधानमंत्री जी ने तो कल उससे भी बड़े आगे निकल गए। प्रधानमंत्री मुझे मौका मिला तो मैं यहां रख देता हूं कि आपको दुनिया सुनती, वो कहता है कि ऑप्शन कमी से किसी की जान नहीं गई। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो लोगों ने अपने गले जो है खुद ही घोटे, लोगों ने खुद ही मरना स्वीकार किया है क्योंकि वो राम राज्य में मुक्ति चाहते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो झूठ के आधार पर टिके उनको सोचना चाहिए कि वो इस देश की छवि को कितना खराब कर रहे हैं। ये सारी हत्याएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो विभिन्न प्रदेशों में उनके जिम्मेदार है, जिन जिन प्रदेशों में ऑक्सीजन कमी से। मैनपुरी में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 200 बाइक की रैली निकाली गई। सपा सदर विधायक राजकुमार, बीजेपी के ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता, उपाध्यक्ष प्रदीप चौहान, जॉइंट मजिस्ट्रेट सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर ARTO डॉक्टर कौशलेंद्र ने बताया कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात के नियमों का पालन किया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। वहीं फोर व्हीलर वाहन वाले सीट बेल्ट लगाकर चले, इससे दुर्घटनाओं में
कमी आएगी। जौनपुर में भाजपा नेता ओम प्रकाश जायसवाल के घर पर छापेमारी करने के लिए इनकम टैक्स की टीम पहुंची। भाजपा नेता के फार्म हाउस और कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारी। इनकम टैक्स की छापेमारी से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। ये घटना शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के पास की बताई जा रही है। लखनऊ के चिन्हट स्थित अयोध्या हाईवे पर बनी शराब की दुकान पर बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग करते हुए बदमाशों ने 3,03,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया और लाखों रुपए की लूट को अंजाम देने के बाद शातिर अपराधी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे और मामले में कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि पीड़ित सेल्समैन शशांक जायसवाल ने शराब दुकान के पूर्व मैनेजर राकेश सिंह के ऊपर लूट की वारदात को अंजाम देने का शक जाहिर किया है, जिस पर पुलिस ने कुशीनगर निवासी राकेश सिंह के खिलाफ लूट का केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस वक्त हम खड़े हुए चिन्हट के तिवारी गंज में और इसी मॉडल शॉप के बाहर ये बताया जा रहा है कि मैनेजर के जो कैश था उसके पास में जो बैग में रखा हुआ 3.5 लाख रुपया था, वो बाइक सवार तीन बदमाश कल यहाँ पर फायरिंग करने के बाद उसे छीन ले गए हैं। फिलहाल मौके पर अभी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन तिवारीगंज का ये वो मॉडल शॉप है, जब रात में कैश की गिनती होने के बाद जब वो पूरा पैसा हैंडओवर किया जाता है, तभी उसी वक्त जब कैश यहाँ पर कैशियर बाहर पैसा लेकर के निकला था तो बाइक से कुल मिलाकर के तीन बदमाश आए थे जो यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उससे बैग से पैसा लेकर के फरार हो गए थे। चूँकि अयोध्या हाईवे से सटा हुआ ये पूरा इलाका है तो जो बाइक सवार बदमाश थे वो इसी रास्ते होते हुए ये बताया जा रहा है कि हाईवे के रास्ते भागे हैं और पुलिस की फिलहाल कई अफसर कई टीमें मौके पर आई थी जो जांच पड़ताल कर रही थी। चूंकि इस इलाके में उस वक्त कोई नहीं था क्योंकि रात का समय था और रात के समय पे लगभग भीड़ बहुत कम थी और आसपास के लोग मौजूद भी नहीं थे, लिहाजा जो यहाँ पर CCTV कैमरे लगे होने चाहिए वो नहीं थे क्योंकि बीते कुछ समय पहले ही इस दुकान को अलग एक इलाके से शिफ्ट किया गया था और यहाँ पर कैमरे लगवाने की लगभग तैयारी की गई थी। लेकिन अगर कैमरे शायद होते तो उन बदमाशों के CCTV फुटेज उस कैमरे में शायद कैद हो सकती थी, लिहाजा अभी कोई भी क्लू पुलिस के पास फिलहाल नहीं है। लेकिन एक पूर्व कर्मचारी के खिलाफ अज्ञात मुकदमा चिन्हट कोतवाली में दर्ज कराया गया है और ये बताया गया है कि उसी ने बीते कुछ समय पहले जब उसको इस मॉडल शॉप के से कारमुक्त किया गया तब उसने ऐसी बातें कही थी कि आगे आने वाले समय में तुमको अंजाम भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा पुलिस के कई अफसर रात में घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। क्राइम ब्रांच के साथ साथ सर्विलेंस की कई टीमें इस मामले के खुलासे के लिए लगाई गई हैं। पुलिस अफसरों का दावा है कि आसपास के CCTV कैमरों को खंगालने के साथ साथ जो ग्राउंड की जो पुलिस की पकड़ है, जो मुखबिर है, उनके द्वारा इस लूट की वारदात को अंजाम देने तक पहुंचने वाले उन बदमाशों का पीछा कर रही है और जल्द ही इस लूट का खुलासा किया जाएगा। लेकिन बीते कई घंटे बीतने के बावजूद भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। लखनऊ से ब्यूरो जर्नलिस्ट सत्येंद्र साथ शिवा शर्मा, प्राइम TV। अमेठी के वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री को सुल्तानपुर में MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है। बता दें कि 1995 में नवनिर्वाचित प्रधान की हत्या के मामले में अब पूर्व मंत्री समेत 4 लोगों को सजा सुनाई गई है। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। कोर्ट में सजा सुनाने के बाद दोषी करार दिए जाने पर भाजपा नेता व पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह ने कहा कि न्याय नहीं मिला, सारे निर्दोष लोगों को सजा मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से कोरोना महामारी से पीड़ित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। इस दौरान सहारनपुर के जनमंच में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। वहीं जनपद के 119 बच्चों को आज 4,000 रुपए प्रतिमाह की दर से धनराशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित भी की गई। जनमंच सभागार में 10 बच्चों को जिलाधिकारी व जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से स्वीकृति प्रमाण पत्र भी दिया गया है। ये आज हमारी सरकार के द्वारा जो कोविड में बच्चों का जो उनके अभिभावक थे वो चले गए थे उसके मद्देनजर आज सरकार ने उनको गोद लिया और 4,000 रुपये की राशि का जो एक अग्रिम चेक था 12,000 रुपये उनके खाते में डालने का काम किया और जितने भी आने वाली उनके सुविधा है पढ़ाई से लेकर और 18 साल के जब वो होंगे तो उसके लिए भी आगे हमारी सरकार ने।
शाहजहांपुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते एक प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। गरिमत रही कि बिल्डिंग की चपेट में कोई भी बच्चा नहीं आया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। अचानक स्कूल की बिल्डिंग गिरने से आसपास में हड़कंप मच गया। फिलहाल स्कूल कर्मचारी मलबे को देखकर सहमे हुए हैं। बीएसए सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी। बिल्डिंग को घोषित किया गया था। आपको बता दें कि बच्चों और शिक्षकों को दूसरे स्कूल में फिलहाल शिफ्ट किया जा चुका है और बिल्डिंग गिरने से किसी भी तरीके का फिलहाल जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और इसका असर अब शाहजहांपुर के गुरु शुक्राचार्य की पावन तपोभूमि शिवलिंग पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। पटना देवकाली स्थित टीले पर एक भोले शंकर का प्राचीन काल का मंदिर है। यहां कई जनपदों से लोग पूजा पाठ के साथ जलाभिषेक करने पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के कारण लोग डरे हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर पर महंत अखिलेश गिरी ने जानकारी देते हुए कहा कि मंदिर पर श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के साथ जलाभिषेक फिलहाल नहीं कर पाएंगे। शाहजहांपुर में बीएसपी प्रत्याशी सतीश चंद्र मिश्रा ने कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने चुनाव को लेकर उन्हीं लोगों को जान से मारने की धमकी दी। इसी के साथ उनके ऊपर हत्या और अपहरण जैसे कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रत्याशी सर्वेश मिश्रा ने इस मामले में एसपी से मिलकर सुरेश खन्ना के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई है। बता दें कि सतीश चंद्र मिश्रा नगर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी हैं। तो सुरेश कुमार खन्ना जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि चुनाव न लड़े और कहा हमसे कि शाहजहांपुर विधानसभा छोड़ के और कहीं से चुनाव लड़ लीजिए, तो कोई बात नहीं, जिसे मैंने मना कर दिया। तो सुरेश कुमार खन्ना जो है कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि यदि नहीं मानोगे तो तुमको चुनाव से पहले चुनाव लायक ही नहीं रखेंगे, चुनाव क्या लड़ोगे, और जो है तुम्हें जो है जगह तुम्हें जो है 300 में फंसवा देंगे और अपहरण करा देंगे, गाड़ियों से उठवा लेंगे। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री बाल योजना शुभारंभ के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए सरकार द्वारा लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें 4,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर लड़कियों की शादी तक सभी का जिम्मा राज्य सरकार उठाएगी। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक पांडे ने बताया कि इस योजना के तहत कोरोना काल में अपने माता पिता व अभिभावक को खोने वाले ऐसे सभी बच्चों को लाभ दिया जाएगा। बच्चों की उच्चतम शिक्षा के लिए लैपटॉप, प्रतिमाह 4,000 रुपए की धनराशि व अन्य लाभकारी योजनाएं उन्हें प्रदान की जाएंगी। 96 बच्चों की लिस्ट प्रशासन को फिलहाल पहुंचा दी गई है, जो जल्द ही योजना का लाभ उठा पाएंगे। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है। देखिए, कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे जो बच्चों की फैमिली रिजेक्ट हुई थी, जिनके परिवार में एक या फिर दोनों जो उनके केयर टेकर या फिर पेरेंट्स गार्जियन लीगल गार्जियन की दुखद मृत्यु हो गई थी, उन बच्चों को एक प्रकार से उनकी फॉर्मल एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए और उनको मॉनिटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए योजना संचालित की गई है। इसके अंतर्गत आज जनपद में 96 बच्चों को लाभ दिया जा रहा है एंड इसमें 4,000 रुपीज़ का मंथली इंस्टॉलमेंट एंड उनके एजुकेशन को सप्लीमेंट करने के लिए टैबलेट और लैपटॉप की व्यवस्था और इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट से कन्वर्जेंस की भी व्यवस्था है। वहीं रामपुर में चोरों ने बड़ी ही शातिराना अंदाज से चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां बैंक के कैश लॉकर से 20,00,000 रुपए निकालकर चोर फरार हो गए। चोरी की यह घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्यवाही शुरू करते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। कोतवाली मिलक क्षेत्र के स्टेट बैंक की शाखा में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कस्बा मिलक के अंतर्गत SBI बैंक है, जिस पर आज 11:56 पर जो फुटेज देखा गया है, उसमें एक आदमी के द्वारा कैश जो रखा गया था काउंटर पे, वो लेकर के जाया गया है, पीछे की तरफ रखा गया था कैश। यहाँ जो सूचना प्राप्त हुई थी, वो हम लोगों को सूचना करीबन 1:15 और 1:15 के बीच में प्राप्त हुई। जो सूचना दी गई है वो थोड़ा डिले से सूचना दी गई है, ये भी एक संदिग्धता महसूस होती है।
फिर भी जो बैंक की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने रुपए ये लोग बता रहे हैं? मैनपुरी के करहल इलाके में दिल्ली जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर के पास पोल से टकरा गई। घटना के बाद एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बस में सवार 35 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस में करीब 70 लोग सवार थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार और प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार चौहान मौके पर पहुंचे। पुलिस बल ने मौके पर कार्यवाही शुरू करते हुए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सुबह में तो अपनी छत पे बैठे थे, मैं देख रहा था गाड़ी डिवाइडर पे चली, चलने के बाद तुरंत ब्रेक उसमें टकरा गई। गाना क्या ऐसा नाम बूम में यही लक्ष्य में टकरा गई तुरंत। अच्छा, और तुरंत आँच जलने लगी। जब आँच जलने लगी हम लोगों ने देखा तो हम लोग पानी ले लेके भागे और पानी लेके आँच बुझाई। आँच बुझाने के बाद फिर गाड़ी तोड़ी। अक्सर लाखों और करोड़ों रुपए की लूट और हत्या जैसी घटनाएं देखने और सुनने को हमें मिलती रही है, लेकिन इस बार गोरखपुर में मात्र 250 रुपए के लिए एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। दो दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। इस मामले में जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए फौरन कार्यवाही शुरू कर दी। हत्या में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही दूसरे आरोपी को भी पुलिस गिरफ्तार करने वाली है। 250 रुपये ये मृतक है, उनका नाम है भूतनाथ। उन्होंने उनसे पैसे लिए थे तो वही वापस करने के संबंध में विवाद हुआ था। वहाँ पे दारू वारू पिलाई थी, वहाँ उस निर्माणाधीन मकान में ले जाकर, और फिर वहीं पे जो है आपस में लड़ाई हुई तो उसे उसको पीट करके उनकी हत्या कर दी। इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है अभी, बस ये 108। बालिया के सिकंदरपुर में भूमाफियाओं के हौसले इस वक्त बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। भूमाफियाओं की दबंगई के चलते एक गरीब परिवार लाचार हो गया है। गरीब परिवार ने सिकंदरपुर चौकी से लेकर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी तक पत्र के माध्यम से अपनी आपबीती बताई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी मामले की सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जानकारी मिली कि भूमाफियाओं के द्वारा पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही है। पीड़ितों को बोला जा रहा है कि जहां शिकायत करनी हो कर ले, कोई भी सुनवाई नहीं होगी। हाँ, जमीन का मामला है। हम गए वहाँ, गार्जियन नहीं थे घर पे। जब हम उसको रोकने गए तो हमको धक्का देने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा, बोल रहा है कि कोई नहीं है, तुम हटो यहाँ से, हमको जोड़ने दो। तो हम थाना पे सब सिफारिश के लिए गए कि हमारा रोका जाए, तो वहाँ बोल रहा है कि तुम कौन हो, क्यों हम तुम्हारी सिफारिश लें, से किसी और की ज़मीन में जाओगे तो तुमको मारेगा पीटेगा, नहीं धक्का नहीं देगा तो क्या करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा। फिर वहाँ हंसे लोग, हमको वहाँ से खदेड़ दिए। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली में मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सभा सदरपुर बरौली में जन सेवा केंद्र चलाया जा रहा है। जन सेवा संचालक को लूटने के इरादे से बाइक सवार बदमाश आए और बदमाशों ने जानलेवा कह सकते हैं कि फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों को इकट्ठा होने के बाद देखकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घायल संचालक को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने बदमाशों की बाइक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बहादुर लड़का है, उसने उनका जो तमंचा था वो छीन लिया और छीन के फिर उन्हें थोड़ी दूर तक दौड़ाया भी, बाद में वो इससे तमंचा ले लिया और एक फायर किया जो इसके जो पेट है उसके छूता हुआ निकला है, अंदर नहीं गई है गोली। बाकी व्यवस्था की जा रही है और काफ़ी कुछ चीज़ें बदमाश सर जाते समय रास्ते में एक गाड़ी भी छीन ले। हाँ, वो एक गाड़ी जब यहाँ से निकले एक गाड़ी छीन के ले गए हैं, पुलिस उसका पीछा कर रही है और ये जो गाड़ी मौके पे छूटी है बदमाशों की, इसके बारे में पता किया जा रहा है। काफ़ी ताज नगरी आगरा में मणिपुरम बैंक डकैती मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल डकैती में शामिल बदमाशों ने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। डकैती में कुल 7 बदमाश शामिल थे और पुलिस की टीम ने इन लोगों के पर इनाम की घोषणा की थी। 3 बदमाशों के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था और वारदात के बाद से ही पुलिस इन लोगों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर रही थी। अब जाकर पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये पुलिस के दबाव में सरेंडर किया है। आज ये कमलानगर थाने में दोपहर में आया था। क्रिमिनल्स पे लगातार इतनी दबिशें पड़ रही हैं, इतने डोजियर्स भरे जा रहे हैं, इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स बन रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में इसने डायरेक्ट अपना कोई पिस्टल का इन्वॉल्वमेंट या इसको शेयर न मिलने की बात बताई है। इसके बाद इससे मनीष से और इससे निर्दोष से मुलाकात होती रही। मनीष पांडे के थ्रू फिर ये एक बार नोएडा जब गया था
बुलाया गया था, वहाँ ये नरेंद्र लाला और जो बाकी लोग थे उनके साथ ही उनसे मिला। इन लोगों ने सेक्टर 34 नोएडा में मणापुरम गोल्ड की ही फाइनेंस कंपनी की एक शाखा पर इन लोगों ने रैकी की। एसएसपी साहब ने सभी पे इनाम किया हुआ, 25,000 रुपए का इनाम सभी पे था, नरेंद्र लाला पर 1,00,000 रुपए का इनाम। गोरखपुर में स्वर सागर संस्था की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने गए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। सागर संस्था के अध्यक्ष सुनीशा श्रीवास्तव के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक आयाम के प्रमुख लोगों, पत्रकार, वकील, कलाकार व खिलाड़ियों ने गोरखपुर के मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी को गुलाब व शुभकामना पत्र देकर ओलंपिक में गए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और ज्यादा से ज्यादा पदक प्राप्त हो इसके लिए उन्होंने कामना की। अध्यक्ष सुनीशा श्रीवास्तव ने बताया कि देश के मान सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। देखिए ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ी जाते हैं तो खैर ये तो हर साल कोई ना कोई मेडल लेकर आते हैं, लेकिन इस बार हमें उम्मीद बहुत ज़्यादा है और उनको एक शुभकामना हमारी जो संस्था है स्वर सागर संस्था की ओर से दी जा रही है और उसको हम लोग जो मंडला आयुक्त हैं उनके उनके हाथों से उनके। औरैया के बिधूना कोतवाली में शराब पीकर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की जमकर पिटाई की। आरोपी ने महिला को बेरहमी से डंडे और बेल्ट से जमकर पीटा। इसके बाद पीड़िता दो मासूम बच्चों के साथ बिधूना कोतवाली शिकायत करने के लिए पहुंची। पीड़िता की शिकायत को सुनते हुए पुलिस ने उसे मेडिकल परीक्षण के लिए फिलहाल भेज दिया है। यहाँ डॉक्टर ने बताया कि महिला को काफी गंभीर चोटें आई हैं। शरीर में चोटें थी, सर से लेकर पैर तक बुरी तरह उसको पीटने की जिस तरह पीटा जाता है किसी को उस तरह की चोटें उसके शरीर पे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।